गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 7 फ्रॉम माई लिविंग वर्ल्ड. द नेम ऑफ लेसन इज प्लांट्स अराउंड अस. यस्टरडे वी हैव डिस्कस इस 4 क्वेश्चन आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक. लेट्स स्टार्ट. वट आर श्रब्स, गिव एग्जाम्पल्स. अब कल हमने किया था ट्री एंड क्लाइंबर्स, अब हमने पढ़ना है वट आर श्रब्स. तो आंसर विल बी द स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम. तो जो स्मॉल और बुशी प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब. और कैसे होते हैं ये? थिन और हार्ड स्टेम होती है इसकी. एग्जाम्पल, ईजी मतलब एग्जाम्पल. तो इसका एग्जाम्पल है रोज और हिबिकस. आप इसको में आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और लिखना चाहें तो आप अपनी बुक वाले भी लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर हर्ब्स, गिव एग्जांपल्स. अब आपने बताना है व्हाट आर हर्ब्स. द आंसर इज द वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. वेरी स्मॉल और भी छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स. दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. इनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है. और इसके एग्जांपल हैं मिंट, ग्रास, कोरिएंडर. मिंट यानी पुदीना, ग्रास आपने देखी है, और कोरिएंडर मतलब धनिया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर क्रीपर्स, गिव एग्जांपल. क्रीपर्स मैंने आपको बताए थे जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ में होते हैं, बिल्कुल नीचे नीचे, जैसे कि हमारी वाटरमेलन वगैरह होता है ऐसे होते हैं. तो आंसर इज प्लांट दैट ग्रो अलोंग साइड द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर. जो ग्राउंड साइड से ही साथ साथ में चलते हैं उसे हम बोलते हैं क्रीपर्स. दे हैव वीक स्टेम. उनकी पतली डंडी होती है, क्योंकि देखो कि जैसे वाटरमेलन है, अब वो इतनी स्टेम बारीक होती कि वो हमारे ट्री के ऊपर नहीं लग सकता, तो वो गिर सकता है ना. तो इसलिए किसके पास होता है? ग्राउंड साइड बिल्कुल ये क्रीप करते हैं. तो एग्जाम्पल है पंपकिन और वाटर मेलन. और क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रो अ ट्री एंड लेबल इट्स पार्ट. आपको एक ट्री ड्रॉ करना है, जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में किया था. उसमें इसके पार्ट्स आपने शो करने हैं, रूट, स्टेम, ट्रंक, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे इसके पार्ट आपने शो करने हैं और इसको कलर करना है. और प्लीज़ इसको प्लेन पेपर के ऊपर करिए. आज के लिए आपका इतना ही काम है. ओके बेटा, थैंक यू.